आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा के विषय में कुछ ऐसा बताएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो श्री शिव नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है शिव महापुराण पंडित प्रदीप मिश्रा जी की भव्य कथा स्थल यमतमाल वाणी महाराष्ट्र में। दोस्तों जहां पर शिव महापुराण पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का आज प्रथम दिवस है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी पहुंच गई है कथा पंडाल पे और यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है कथा पंडाल में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की। तो फिलहाल यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ऐसी चीज बताने वाले आपको वीडियो के आखिरी में, जिसे देख के सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो के आखिरी तक पूरा बनी रहिएगा और देखते रहिएगा वीडियो को, कुछ बहुत ही जरूरी जानकारी देने वाले वीडियो में आगे। फिलहाल यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी पहुंच गए हैं, यहाँ पर व्यासपीठ के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी व्यासपीठ पर चढ़ रहे हैं, देख सकते हो आप लोग बहुत भीड़ है यहाँ पर शिव महापुराण पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा स्थल वाणी यमतमाल में। निवेदन करता हूँ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कमेंट में ओम नमः शिवाय, कमेंट में जय श्री राम जो लिखिएगा, बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। फिलहाल यहाँ पर अभी कथा शुरू हो गई है, सुन सकते हो आप लोग और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय श्री राम लिख देना जरूर है और वीडियो को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए। यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल अभी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर तैयारी की गई है यमतमाल महाराष्ट्र शिव महापुराण में। और बात यह है दोस्तों, आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा, महाराष्ट्र में शिव महापुराण इतनी ज्यादा क्यों होती है? निवेदन करता हूँ आप सभी कमेंट में बताइए, महाराष्ट्र के लोगों को शिव महापुराण सुनना पसंद है और उनको बहुत ही अच्छा लगता है, ये मैं जानता हूँ दोस्तों। इसलिए निवेदन करता हूँ इसका सही उत्तर आप सभी कमेंट में बताएंगे कि महाराष्ट्र, आप सभी महाराष्ट्र की जनता, निवेदन करता हूँ आप सभी से, महाराष्ट्र की सारी जनता से कमेंट में ये बताइए कि महाराष्ट्र में शिव महापुराण इतनी ज्यादा क्यों होती है और लोग इसको देखना क्यों पसंद करते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को और सुनना क्यों पसंद करते हैं। और ज्यादातर देख रहे हो आप लोग कि महाराष्ट्र में शिव महापुराण हो रही है, अन्य जगह नहीं, महाराष्ट्र में शिव महापुराण ज्यादा होती है, इसलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो निवेदन करता हूँ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम और श्री शिवाय नमः शिवाय जरूर लिखिए और बताइए कमेंट में कि महाराष्ट्र में शिव महापुराण इतनी ज्यादा क्यों होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और सबको पता चलनी चाहिए क्यों होती है। अगले विषय में हम लोग इसकी सच्चाई बताने वाले, तो निवेदन करते हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट में जय श्री राम ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, दिखाएंगे आप सभी को इसकी पूरी जानकारी और महाराष्ट्र में शिव महापुराण क्यों होती है ये भी बताऊंगा। अभी के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और यमतमाल शिव महापुराण जो हो रही है बहुत ही भव्य तौर पर हो रही है, इसका उत्सव आप सभी को होना चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब।